सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स अंडर 12,000। जी हाँ दोस्तों, 12,000 रुपए के अंदर मिलने वाले कुछ चार अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, बल्कि दोस्तों हम यहाँ पर इन सभी स्मार्टफोन्स के प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बात करते हुए चलेंगे, तो आपको एक परफेक्ट डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। वीडियो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी होने वाली है, इंपॉर्टेंट भी होगी और हेल्पफुल भी होगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहेगा। साथ में दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी स्मार्टफोन्स को हमने यहाँ पर फीचर के हिसाब से रैंक किया हुआ है, तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी कि फीचर के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन आपको यहाँ पर सूट करने वाला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 4 की, और नंबर 4 पर हमने रखा है आप सभी के लिए एक अल्टीमेट गेमिंग स्मार्टफोन। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कैमरास भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन फोन की जो डिस्प्ले यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यह स्मार्टफोन है यहाँ पर रियलमी का Narzo 50A। सबसे पहले गाइस शुरू करते हैं यहाँ पर फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो फोन तो गाइस यहाँ पर TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, जिसका मतलब कि बिल्ड क्वालिटी फोन की काफी अच्छी है। साथ में गाइस डिजाइन तो अपना अपना टेस्ट होता है, तो हो सकता है कि आपको ये डिजाइन पसंद आ रहा हो और हो सकता है कि आपको ये डिजाइन ना भी पसंद आ रहा हो। यहीं पर गाइस अगर बात करें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो आपको 3.5 mm का जैक दिया गया है। इस फोन में आपको यहाँ पर सिंगल मोनो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर डिसेंट मिलने वाली है। लेकिन अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और साथ ही ये फोन रन करता है एंड्रॉइड 11 बेस रियलमी के UI 2.0 पर। बहुत जल्द आपको यहाँ पर रियलमी UI 3.0 भी मिलने वाला है। सो फोन का जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो आपको काफी अच्छा मिलता है। तो ये तो हुए फोन के कुछ अदर फीचर्स। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स के बारे में। शुरू करते हैं फोन के डिस्प्ले से। तो फोन के अंदर लगी हुई है 6.5 इंचेस की HD+ रेजोल्यूशन के साथ में IPS LCD पैनल, और आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 570 नीट्स की आपको ब्राइटनेस दी गई है, तो डायरेक्ट सनलाइट में फोन इस्तेमाल करने में भी आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए तो बना है, लेकिन आपको यहाँ पर मैक्सिमम 60Hz की रिफ्रेश रेट मिलती है और 120Hz की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले ठीक मिलती है। सो अब बात कर लेते हैं फोन के बैक साइड के बारे में। तो दोस्तों फोन के बैक में लगे हुए हैं यहाँ पर 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो कि बोके मोड लेने में आपकी काफी हेल्प करता है। सामने की तरफ आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का सेंसर। तो देखा जाए तो कैमरा सेटअप उतना अच्छा तो नहीं है, डिसेंट टाइप का आपको यहाँ पर सेटअप मिलता है, लेकिन मेन कैमरा से आपको यहाँ पर आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पर इसका मेन कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहें, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर Full HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps पर। साथ ही में बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 60fps तक का सपोर्ट भी मिल जाता है। और इस फोन को चलाने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G85 का चिपसेट, और ये चिपसेट बना है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। हालांकि आपको यहाँ पर हल्की फुल्की हीटिंग देखने को मिलेगी, लेकिन आप इसे यहाँ पर ओवरहीटिंग नहीं कह सकते हैं। सो परफॉर्मेंस दोस्तों फोन की काफी अच्छी रहती है। साथ में आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस के लिए परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी। जहां तक बात है गेमिंग की, तो लगभग आपको यहाँ पर 2,10,000 के आसपास के औसत स्कोर मिल जाते हैं। इस प्राइस के हिसाब से एक अच्छे स्कोर है, तो आपको यहाँ पर डे टू डे यूजेस और गेमिंग वगैरह अच्छी मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें, तो आप यहाँ पर 40fps तक की स्मूथ सेटिंग पर PUBG जैसे गेम्स को खेल सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और इन सभी को पावर देने के लिए फोन के बैक साइड में लगा हुआ है 6000mAh का बैटरा। अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर हैं, तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाता है। और फोन यहाँ पर 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट मिल जाती है। तो फोन का बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिलता है। बाकी रही फोन के प्रोस की बात, तो आपको यहाँ पर लंबी बैटरी बैकअप, डिसेंट परफॉर्मेंस और डे लाइट फोटोग्राफी काफी अच्छे मिलते हैं। कॉन्स की बात कर ले, तो इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर Wide L1 का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कंटेंट वगैरह स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं। और फोन में एटलीस्ट यार Full HD+ वाली डिस्प्ले होती तो और ज्यादा अच्छा होता यार। इस प्राइस पर जो भी स्मार्टफोन है, वहां पर हमें लगभग Full HD+ के साथ में हायर रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है, जो कि स्मार्टफोन का एक और कौन है। सो देखा जाए तो अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए, तो आप स्मार्टफोन के साथ में डेफिनेटली जा सकते हैं।
इस स्मार्टफोन का 4GB रैम और 64GB वाला जो वेरिएंट है वो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। सो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 11,499 रुपए की प्राइस पर। अब वक्त हो चुका है कि हम बात कर लें इस लिस्ट के नंबर 3 स्मार्टफोन के बारे में। और दोस्तों नंबर 3 पर हमने रखा है आप सभी के लिए गेमिंग के साथ साथ कॉन्टेंट वॉच करने के लिए भी काफी अच्छा स्मार्टफोन। और दोस्तों ये स्मार्टफोन है यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 11। चलिए जानते हैं कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें क्या कुछ खास देखने को मिलता है। पहले बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो ये फोन भी आपको यहाँ पर TUV रेडलैंड सर्टिफाइड मिल जाएगा, तो बिल्ड क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। साथ ही में आपको यहाँ पर प्रीमियम लुक के साथ में स्मार्टफोन मिलता है, जो कि आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इन हैंड फीलिंग के लिए भी ये फोन काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि फोन का वेट है 184 ग्राम और फोन की थिकनेस है 7.9 mm। तो देखा जाए तो इन हैंड फीलिंग में भी ये स्मार्टफोन आपको यहाँ पर A+ मिलता है। बाकी रहे फोन के कुछ अदर फीचर्स की बात, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5 mm का जैक दिया गया है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको फोन के अंदर मिल जाएंगे, तो ऑडियो आपको यहाँ पर काफी अच्छी और लाउड मिलने वाली है। हालांकि आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते प्रीमियम स्मार्टफोन से, इस बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी मिलने वाली है। साथ ही में आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। जहां तक बात है यूजर इंटरफेस की, तो ये फोन रन करता है एंड्रॉइड 11 के XOS 10 पर। हालांकि दोस्तों ये यहां पर लेटेस्ट OS है, लेकिन अभी भी आपको यहां पर थोड़े बड़े ब्लॉट पर ऐप और एड वगैरह मिलते हैं, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन का थोड़ा सा यहां पर डिसएडवांटेज है, क्योंकि फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको यहां पर ठीक ठाक मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहां पर फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आपको मिल जाएगा 6.7 inches की फुल HD+ वाली AMOLED पैनल के साथ में। डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर NEG DinoRex का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और डायरेक्ट सनलाइट में फोन को इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर 750 nits की ब्राइटनेस भी मिल जाती है। तो देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो तो यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। गेमिंग के लिए भी आपको यहाँ पर नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट और 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। कॉन्टेंट वगैरह वॉच करने के लिए ये डिस्प्ले आपको A+ मिलती है। बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो इस फोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर आपको मिल जाता है 50 MP का मेन कैमरा, 2 का डेप्थ और 2 MP का आपको यहां पर एक AI लेंस मिलता है, और सामने की तरफ आपको यहां पर 16 MP का एक सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। तो कैमरा सेटअप आपको यहां पर फोन का ठीक ठाक दिया गया है। और कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो आप यहां पर इसे अबो एवरेज कह सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर उतनी बेटर क्वालिटी की इमेजेस नहीं मिलती हैं। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो मैक्सिमम आप यहां पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से 30fps तक, और बैक कैमरा से आपको यहां पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है 30fps तक। तो इस स्मार्टफोन का ये एक एडवांटेज है कि आपको यहां पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। रही बात दोस्तों यहां पर फोन की परफॉर्मेंस की, तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek Helio G88 का चिपसेट। जी हां दोस्तों, ये यहां पर MediaTek Helio G85 का सक्सेसर है, जो कि आपको यहां पर MediaTek Helio G85 से स्लाइटली बेटर मिल जाता है, जहां पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। डे टू डे टास्क आप यहां पर काफी आसानी से कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग में भी आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। रही बात गेमिंग की, तो लगभग आपको यहां पर 216,000 के आसपास के अंततः स्कोर मिलते हैं। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको यहां पर स्लाइटली बेटर मिलने वाली है अगर हम यहां पर कंपेयर करेंगे रियलमी के Narzo 50A से। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस वाइज फोन में आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जहां पर आपको एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाता है। और अच्छी बात है कि ये फोन यहां पर 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। तो फोन का बैटरी मॉड्यूल इस बजट के हिसाब से आपको यहां पर काफी जबरदस्त दिया गया है। बाकी रही फोन के यहाँ पर प्रोस की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिजाइन, डिस्प्ले, बैटरी लाइफ और परफॉर्मेंस, ये चारों चीजें काफी अच्छी मिल जाती है। और कॉन्स की बात करें तो फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कैमरा आपको यहां पर उतने अच्छे नहीं मिलने वाले, लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद है तो आप स्मार्टफोन के साथ में भी जा सकते हैं। 4GB रैम और 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको देने होंगे 11,499 रुपए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 12,000 रुपए की प्राइस पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके बाद आप स्मार्टफोन को 11,500 रुपए की प्राइस पर परचेस कर पाएंगे। तो देखा जाए तो इस बजट के हिसाब से भी काफी अच्छा फोन है, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अपने सेकंड लास्ट स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन ही होना चाहिए। तो गाइस कुछ ऐसा ही स्मार्टफोन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और ये फोन है इन्फिनिक्स का ही नोट 11S।
तो शुरू करते हैं फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। सो दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी आपको यहाँ पर TUV रिनलैंड सर्टिफाइड मिलने वाला है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। रही बात डिजाइन की यार, तो डिजाइन भी आप देख सकते हैं काफी यूनिक और काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। रही बात दोस्तों फोन के कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि फोन के अंदर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर अच्छी और लाउड मिलेगी। हालांकि आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते किसी प्रीमियम स्मार्टफोन से, फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपको जो ऑडियो मिलने वाली वो काफ़ी अच्छी रहती है। और अगर हम यहाँ पर कुछ और अदर फीचर्स की बात करें, तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। रही बात दोस्तों यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है एंड्रॉयड 11 बेस XOS 10 पर। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अभी भी थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन यार धीरे धीरे ही ऑप्टिमाइज होगा। तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस पहले से आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी कोई खास दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं फोन के मेन फीचर्स के बारे में। लगभग आपको यहाँ पर 7 इंचेस की फुल HD प्लस की IPS LCD पैनल मिल जाती है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले का साइज आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, कंटेंट वॉच करने में आपको यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आएगा। साथ ही में आपको यहाँ पर NEJ DNRX का प्रोटेक्शन दिया गया है। स्मूथनेस के मामले में आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है, तो स्मूथनेस में आपको यहाँ पर कोई कमी नहीं आने वाली है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले काफी अच्छी दी गई है। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो फोन के अंदर आपको यहां पर सेम चिपसेट देखने को मिल जाएगा, MediaTek Helio G96 का, जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है। लेकिन आपको यहां पर लगभग 3,33,000 के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको यहां पर काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। इस प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छे स्कोर हैं, तो परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आएगी। साथ ही आप यहां पर काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। और दोस्तों बात कर ले अगर फोन के कैमरा की, तो बैक में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा दिया गया है 50 मेगापिक्सल का, साथ ही में 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ मिल जाता है, जो कि बुके मोड में आपको काफी हेल्प करेगा। और साथ ही सामने की तरफ आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है सेल्फी के लिए। तो देखा जाए तो कैमरा सेटअप आपको यहाँ पर डिसेंट दिया गया है, लेकिन कैमरा आउटपुट आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं, तो कैमरा से आपको यहाँ पर शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने में इंटरेस्टेड हैं, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर, और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30fps पर। तो कैमरा आपको यहाँ पर अच्छे दिए गए हैं। इन सभी को पावर देने के लिए फोन के अंदर लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, जहां पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से मिल जाता है। साथ ही में बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो 33W की चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। तो बैटरी मॉड्यूल भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। बाकी रही फोन की प्रोस की बात, तो जैसा कि मैंने आपको बताया फोन का मिनिमल डिजाइन आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है। साथ ही में फोन में आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि स्मार्टफोन का एक और एडवांटेज है। और रही बात फोन की परफॉर्मेंस की यार, तो फोन की परफॉर्मेंस नो डाउट दोस्तों काफी अच्छी रहती है, वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और वहीं पर अगर कॉन्स की बात कर लें, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कैमरा परफॉर्मेंस फोन की यार उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। और रही बात दोस्तों सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत जल्द आपको यहाँ पर भी काफी अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। तो ये थे स्मार्टफोन के कुछ डिसएडवांटेज। लेकिन अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए, तो आप स्मार्टफोन के साथ में जा सकते हैं 6GB रैम प्लस 3GB की वर्चुअल रैम और 64GB की आपको यहाँ पर इनबिल्ट मेमोरी मिल जाती है। वैसे तो ये स्मार्टफोन आपको मिलता है 12,999 रुपये की प्राइस पर, लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपने मोबाइल से UPI थ्रू पेमेंट करते हैं, तो ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 12,499 रुपये की प्राइस पर। और 12,500 रुपये के हिसाब से अल्टीमेट डील है, ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे यार कि नंबर वन पर कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है, जो कि हमें ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी हमने काफी अच्छा और तगड़ा स्मार्टफोन रखा हुआ है, और ये फोन है Realme का Narzo 50। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी तो आपको यहाँ पर सुपर्ब मिल जाती है। डिजाइन की बात की जाए, तो फोन आपको बिल्कुल भी Realme 8i की तरह ही देखने को मिलता है, हालांकि बैक साइड में आपको यहाँ पर थोड़ी सी टेक्सचर फिनिशिंग मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के आपको अच्छे मिल जाते हैं। और फोन की कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ले, तो इस बार भी आपको यहाँ पर साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5mm का जैक मिल जाएगा, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिए गए हैं, तो ऑडियो आपको यहाँ पर डिसेंट ही मिलने वाली है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। उनके यूजर इंटरफेस की बात करें, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 11 बेस Realme के UI 2.0 पर। हालांकि दोस्तों यहाँ पर Realme UI 3.0 होना चाहिए था,
तो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर Realme UI 3.0 का जो अपडेट है वो भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर जो फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होने वाला है वो आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के मेन फीचर्स के बारे में। तो ये फोन आता है यहाँ पर 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल के साथ में। यहाँ पर कौन से टाइप का प्रोटेक्शन दिया गया है इस बार भी यहाँ पर Realme की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया है। ये भी आपको यहाँ पर ड्रैगन टेल प्रो ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। फोन को आउटडोर इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर 480 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो देखा जाए तो आपको यहाँ पर सनलाइट में फोन इस्तेमाल करने में भी कोई इशू नहीं आएंगे। और गेमिंग को यहाँ पर और भी स्मूथ करने के लिए आपको मिलती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। इस फोन की डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। और इस फोन को शक्ति देने के लिए फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G96 का चिपसेट। वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा चिपसेट है, 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन के साथ में आता है। तो फोन यहाँ पर हल्का फुल्का हीट जरूर होता है, लेकिन दोस्तों आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और डे टू डे यूजेस के लिए आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, साथ ही में आप यहाँ पर मल्टीटास्किंग वगैरह भी काफी आसानी से कर सकते हैं। और भाई आप यहाँ पर डिसेंट टाइप की गेमिंग भी काफी आसानी से कर सकते हैं। बात कर ले OnTitan स्कोर की तो लगभग आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास के स्कोर मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छे स्कोर हैं। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग में फोन में आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आने वाले। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है यहाँ पर UFS 2.1 की स्टोरेज के साथ में। तो आपको यहाँ पर रीड और राइट की जो स्पीड है, यानी दोस्तों एप्स लोडिंग जो टाइम है, वो भी आपको यहाँ पर काफी फास्ट देखने को मिलने वाला है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। हाँ तो भाई अब बढ़ते हैं फोन के बैक लुक की तरफ। और फोन के बैक साइड में आपको मिलते हैं यहाँ पर 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, साथ ही में 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है, जो कि बोके मोड लेने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। और सामने की तरफ आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी स्नैपर। ओवरऑल देखेंगे तो कैमरा सेटअप कोई खास तो नहीं है, वही पिछला वाला उठा करके आपको यहाँ पर दे दिया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि मेन कैमरा से आपको यहाँ पर आउटपुट अच्छा मिल जाता है, तो कैमरा परफॉर्मेंस से आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करने के शौकीन है, तो मैक्सिमम आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 120fps पर बैक कैमरा से, और 30fps तक आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। और इस फोन के बैक साइड में आपको मिल जाती है 5000mAh की बैटरी। तो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है, तो आपको यहाँ पर इजीली 7 से 8 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, जिसका मतलब कि आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से मिलेगा। साथ ही में फोन यहाँ पर 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 33 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। तो फोन का जो बैटरी मॉड्यूल है इस बार आपको अच्छा दिया गया है। बाकी रहे फोन के प्रोस की बात, तो फोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी मिलती है, उसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं आती है। रही बात दोस्तों फोन की डिस्प्ले की, तो वो भी आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। और फोन का जो कैमरा है दोस्तों, वो डे लाइट में तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, और नाइट में भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी इमेजेस क्लिक करके देता है। सो ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई खास शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ गाइज, ये स्मार्टफोन कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर फोन के कॉन्स की बात कर लें, तो दोस्तों लेटेस्ट स्मार्टफोन था, रिसेंटली लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर एटलीस्ट एंड्रॉइड 12 तो मिलना ही चाहिए था, जबकि स्मार्टफोन के अंदर हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये स्मार्टफोन थोड़ा सा हमें यहाँ पर निराश करता है। और रही बात दोस्तों बाकी के 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो सेंसर की, तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये दोनों सेंसर यार यूजलेस होते हैं, यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं होता है। फिर भी दोस्तों ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी है, तो वहाँ पर आपको शिकायत नहीं आने वाली है। सो गाइस, ये थे स्मार्टफोन के कुछ डिसएडवांटेज। अगर आपको स्मार्टफोन के प्रोस पसंद आए, तो आप स्मार्टफोन को भी चेकआउट कर सकते हैं। 4GB RAM 64GB इनबिल्ट मेमोरी के लिए आपको वैसे तो देने होते हैं 12,999 रुपये, लेकिन Amazon पर यहाँ पर लिमिटेड टाइम डील चल रही, जहाँ पर आपको 10% तक का ऑफ मिल रहा है बैंक ऑफर्स पर। तो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11,700 रुपये की प्राइस पर परचेस कर सकते हैं। तो देखा जाए यार, तो 11,700 रुपये के हिसाब से ये एक अनबीटेबल डील है, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो अभी जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, सभी स्मार्टफोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो अभी के अभी जाकर के जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों फाइनली ये थे यहाँ पर 4 स्मार्टफोन, जो कि आपको यहाँ पर अल्टीमेट गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ काफी अच्छे फीचर्स के साथ में भी मिल जाते हैं। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया वो मुझे आप कॉमेंट में बता सकते हैं। साथ ही में उम्मीद है वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी यार, कि चैनल को सब्सक्राइब और बेल को ऑल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।